ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोपरगांव तालिका मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पुलिसकर्मियों को N95 मास्क बांटे गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों में जागरूकता बनी रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि पुलिसकर्मी रात दिन लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उन्हें जाना पड़ता है, इसीलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें मास्क का वितरण किया गया है। ये आप सब देख रहे हैं ये चैनल के माध्यम से, पूरे दुनिया में कोरोना जैसे वायरस ने तबाही मचा रखी है। तो आज कोपरगांव पुलिस स्टेशन ये जो पुलिस लोग होते हैं ये हर रश के जगह पे उनको हैवी ड्यूटी देनी पड़ती है। ये हमारे पुलिस जो बंधु है उनको ये कोरोना वायरस की लागन ना हो जाए, इसलिए हमने आज मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से उनको मास्क दिए। कोरोना एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी शुरुआत चीन के वुहान में हुई। इसके बारे में हमने घाटन दूर के सरकारी अस्पताल के वैद्यकीय अधिकारी से जानकारी हासिल की है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से डरने की कोई बात नहीं है, ये बीमारी छींकने से ज्यादा फैलती है। उन्होंने आगे बताया कि इस बीमारी से बच्चे और बूढ़े आदमी को ज्यादा खतरा है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जिससे उनके शरीर में यह वायरस तेजी से फैलता है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचना चाहिए। इसका फैलाव छींकने से होता है और ये ज्यादातर के शिकार छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसलिए ये छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। ये वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज और ये छींकने से जमीन पर आ गया है ये वायरस, तो इसका खाली 9 से 12 घंटे ये जीवित रह सकता है और ये अपने हाथ पे गिरा, अपना हाथ मुंह को लगा, आंख को लगा, तो इसका अपने शरीर को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए छींकने के वक्त अपना रुमाल इस्तेमाल करिए, इससे बचाव हो सकता है। आंध्र प्रदेश के एक युवक रमेश ने वादा किया था कि जब YSR कांग्रेस के प्रमुख जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे तो वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करेगा। वो जगमोहन रेड्डी के सीएम बनने के बाद युवक ने अपनी साइकिल यात्रा शुरू कर दी है और युवक यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पहुंचा। लगभग यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी है। मैं आंध्र प्रदेश से ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आया हूं। मेरा राष्ट्र मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेड्डी बहुत अच्छा आदमी है। पहले पूछना मेरा राष्ट्र मुख्यमंत्री को, वही जगनमोहन मुख्यमंत्री को पूछना, मैं सर आपका मुख्यमंत्री होते मैं काश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल यात्रा करता हूँ बोलना, मैं पाद यात्रा में अभी मुख्यमंत्री हो गया, बहुत खुश हो गया, मेरा राष्ट्र बहुत खुश हो गया, अभी अच्छे काम करते है, अभी सब लोग को जॉब देते है, नौकरी देते है, काम देते सब देते है, मेरे को बहुत पसंद हो गया। अभी पहले बात करना, अभी